है दोस्तों, जब बात यूट्यूब पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट वीडियो की होती है तो क्रेजी एक्स वाई जेड यानी अमित शर्मा यूट्यूबर का नाम जरूर लिया जाता है। दोस्तों उनका असली नाम अमित शर्मा है, जो कि अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग तरह के वीडियोज बनाते रहते हैं। दोस्तों पेशे से अमित शर्मा एक IITian है, लेकिन आज वे एक 25 मिलियन यूट्यूब चैनल के मालिक भी है। दोस्तों उनकी अमित शर्मा से क्रेजी एक्स वाई जेड यूट्यूबर बनने की स्टोरी क्या है, उनकी फैमिली क्या करती है, या फिर कैसे उन्होंने शुरू किया अपना यूट्यूब करियर, दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्रेजी एक्स वाई जेड नाम से फेमस हुए यूट्यूबर का असली नाम अमित शर्मा है। ये यूट्यूब पर अजीबोगरीब और सबसे अलग अंदाज की एक्सपेरिमेंट वीडियो बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि अभी इनके 4 यूट्यूब चैनल है, जिनमें पहला उनका यूट्यूब चैनल द इंडियन अनबॉक्सर है, लेकिन वो अपने दूसरे यूट्यूब चैनल यानी कि क्रेजी एक्स वाई जेड के लिए अधिक फेमस है, जिस पर उनके 26 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों उनके सारे यूट्यूब चैनल को यदि मिलाएं तो इस वक्त 30 मिलियन सब्सक्राइबर लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों इतने फॉलोवर से ही आप उनके एक्सपेरिमेंटल वीडियो में होने वाली मेहनत का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों क्रेजी एक्स वाई जेड यानी अमित शर्मा का जन्म 11 सितंबर 2000 को अलवर राजस्थान में हुआ था। दोस्तों एक हिंदू और भारतीय नागरिकता रखते हैं। दोस्तों क्रेजी एक्स वाई जेड यानी अमित शर्मा की फैमिली भी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके माता पिता दोनों ही टीचर हैं। इनके पिता एक कॉलेज में लेक्चरर हैं। दोस्तों अगर उनके भाई बहन की बात करें तो वह 4 भाई और एक बहन है। बड़े भाई का नाम सुमित शर्मा है। दोस्तों क्रेजी एक्स वाई जेड यानी अमित शर्मा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अलवर के एक लोकल स्कूल से की थी। उसके बाद उनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया गया था, जहाँ से उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अच्छे नंबर प्राप्त किए थे और 12th क्लास के बाद आगे की तैयारी करने के लिए IIT रुड़की कोटा चले गए, जहाँ से उन्होंने मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री पूरी की। दोस्तों आपको बता दें कि IIT रुड़की कोटा में पढ़ाई करते समय अमित शर्मा ने अपने यूट्यूब करियर की शुरुआत की थी। वह बताते हैं कि क्रेजी एक्स वाई जेड से पहले उन्होंने बहुत से यूट्यूब चैनल बनाए थे, जिनमें एक यूट्यूब चैनल पर वह टॉप एंड मोस्ट लोगों के बारे में बताया करते थे। दोस्तों उससे उनकी पहली यूट्यूब अर्निंग 1,20,000 रुपये हुई थी। इसके बाद उन्होंने 80 अलग अलग तरह के यूट्यूब चैनल बनाए, लेकिन उन सब चैनलों पर दूसरों का कॉपीराइट मटेरियल था, जिसके कारण वह सब चैनल डिलीट हो गए। जो 4 से 5 लाख रुपए की कमाई होने वाली थी वह भी कॉपीराइट इशू के कारण चली गई। दोस्तों इसके बाद उन्होंने अपने बुरे एक्सपीरियंस से सीखा और ओरिजिनल कंटेंट बनाने का पूरा फोकस किया। दोस्तों अमित शर्मा यूट्यूबर ने अपना पहला यूट्यूब चैनल प्रयोगशाला के नाम से 23 जुलाई 2016 को बनाया था, जिसका उन्होंने बाद में नाम स्पोर्ट्सशाला कर दिया था। इस पर उन्होंने अपनी पहली वीडियो 1 दिसंबर 2016 को अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि टूटे हुए बेड को कैसे प्लास्टिक बोतल से सही करें। दोस्तों वर्तमान में इस चैनल का नाम उन्होंने बदलकर द इंडियन अनबॉक्सर कर दिया है। इसके बाद उन्होंने 10 सितंबर 2017 को अपने दूसरे चैनल क्रेजी एक्स वाई जेड की शुरुआत की थी। दोस्तों इस चैनल का भी नाम पहले ब्लेड एक्स वाई जेड था, जिसमें पहली वीडियो 11 सितंबर 2017 को उन्होंने एक पिंक बॉल को काट कर दिखाया था। दोस्तों उसके बाद से ही लगातार वह वीडियो बनाते गए और धीरे धीरे कंटेंट में भी बदलाव करते गए और आज उनके इस चैनल पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और वे इस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों क्रेजी एक्स वाई जेड के अभी 4 यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनमें एक चैनल में वह अमेजन फ्लिपकार्ट आदि के प्रोडक्ट्स की पेड अनबॉक्सिंग करके कमाई करते हैं। साथ ही वह म्यूजिक एल्बम, यूट्यूब एडसेंस, ब्रांड प्रमोशन आदि से भी रुपए कमाते हैं। दोस्तों अगर हम उनके महीने की कमाई की बात करें तो वह 40 से 50 लाख रुपए पर महीने कमाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब से कमाते भी हैं, बल्कि अपने एक वीडियो बनाने में काफी पैसे खर्च कर देते हैं। तो दोस्तों यही हमारे अमित शर्मा यानी क्रेजी एक्स वाई जेड की कहानी थी, जो भी मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अगर आप भी अमित शर्मा के फैन हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही शेयर वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो अभी पर संपन्न होता है, हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।